आज मेरी माँ 2 साल बाद में खेत में आई है। 2 साल तो कोई नहीं भाई, 12 महीना आया है। क्या महीना? 12 महीना, यानी कि 1 साल होगी। हाँ। राम राम जी, सारा ने एक और नए व्लॉग में तरह स्वागत है। उम्मीद है तुम सारे ठीक ठाक होगे। तो तो फिलहाल भाई चा की बाट देखने लाग रहे है। यू प्रिंस सर इन कृष्ण तो ली है पी ली है। हाँ, और इन्हें ही मैं माँ बाट देखने लाग रही, क्योंकि मैं माँ कौन पी है। मैं माँ गर्मी में बावड़ी हो रही है, पसीना पसीने में के दिखावा पसीनो सारी दुनिया का। हतरे की नक्का है, देखा तो ये चाचू पियूंगा। इन्हें वर्मीत आपको दूध दाद पीने लग गई, नाश्तो नुस्तो करेगी। बोले राम राम करे। राम राम भाई, राम राम भाई। सवेरे सवेरे भाई एक कुरकुरा में ना के कुरकुरा को एक ब्रेड में तो इतनी राम राम लिखड़ेगी, थोड़ी देर में लिखड़ेगी सही राम राम। तो फिलहाल के चर्चा चल रही थी भाई, चर्चा चल रही भाई बलमीत ने घर छोड़ के आने की। अच्छा, ऐसा लग रहा है स्कूल। या नहीं का मैं आड़े रहूंगी, आड़े नहीं पार कौन पड़े, इन घर जाना पड़े वो। तो आ जाएंगे तैयारी खींच रखी है, शाम तक इन पटक के आऊंगा। और प्रियंका रहोगी एक बार आड़े, क्योंकि यही छुट्टी हो रही प्रियंका की स्कूल की, या तीसरी क्लास में जाओ है। एक महीने छुट्टी हो रही है। बरमीत कैमी क्लास में हो रही है, बरमीत फोर्थ में हो रही है। तो ऐ स्कूल ला गया छोड़ के नहीं पड़ेगी। वह दो सोनीर वो मनु रहूँगा एक बार आड़े ही तीसरी में। अभी बात न्यू है भाई, बात यह है कि मारे कणक रह रही थोड़ी, और यह ने सबसे ज़्यादा खवाइया भाई। रात ने रोटी कौन खा? मेरे तो ये सुन के अचंभ हो यार, मैं घर आलू मन बिरो कौन था बात को। देखो तो ये रात ने रोटी कौन खाया छोरी? कल तो खाई थी लड्डी फिंगर की सब्जी, बताओ ही नहीं यार। घर जाना पड़ेगा खा ले, क्यों खाना हो? अरे एक तो नाम ले गया थाली ले बैठ चार तन बेरो पट्टा को नहीं चली गई। यार दो खाए था कोई खाई ने। हां मैं भी देगी थी, मना देगी थी। ई भी शहर ले मां आपकी मिट्टी। यो देख पूरा मजा ले रहे हो आईफोन का, भैन सो बोल लूंगा शमी सब दिन तान देख न्यू। और क्यों कैमरा बहुत भारी तो फेरू हारने इतने आदमी की बात खत्म हो जाए। मैं न्यू करके न पट दे न्यू फेर दे ले। बात न्यू है मारे छोरी को जावन ने जी कौन करे भाई? कौन करे ने? तो क्यों कौन करे बता? मने कौन जानू उड़े है? उड़े कौन जानू? क्यों के दिक्कत है? उड़े टपर रखने पड़े पूरे दिन उड़े। तो टपर तो रखना पड़ेगा, तेरी बाण तन रखनी पड़ेगी। आज तेरो लिए ना भाई जी, तेरो के कहना है क्या गए होंगे तेरो एक बार में? हां ए बार जानो पड़े वो पढ़ाई थोड़ी खराब करी जा है। हां प्रियंका तो भाई घुटने में दर्द है, डॉक्टर आराम बता रखे हुए, तो जा कौन सके हूं तो कोई इलाज कोनी वेन तो जानो पड़ेगा। ना घुटनो इलाज थोड़ी ना चले है। तेरो के कहना भाई? गर्मी तो जाएगी भाई, स्कूल में जाना पड़ो। जाना पड़ो। तेरे के कहना माँ? जागी भाई, कहनो सारा ये है। भाई सारा डिसीजन ये लियो है, जागी। तो जाना पड़ेगा। तेरे के मैं बताऊँ एन है ना, दो 4-5 साल हो गई होगी माँ। 4-5 साल पहले ये कौन स्कूल में नाम लिखवाए थो, बढ़िया स्कूल में नाम लिखवाए थो। फिर यहाँ जी को लाग गयो, 4-5 महीने गई थी या फिर इन्हें यह चली गई। इवन मम्मी कहाँ था जे तू आड़े रहा जिद की, तो तेरा इंस्टाग्राम पर 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर हो, 1.5-2 लाख यूट्यूब पर फुल एस करार लोग जाना और पिछाना, तू एक नंबर की इन्फ्लुएंसर बन जा रही उन्हें। खाखा की होगी बोरो। हाँ पढ़ाई की तेने कोई जरूरत कौन थी, क्योंकि फ्यूचर में कह तो चाहिए बहुत ज्यादा पढ़ाई हुआ भी साइंस या टेक्नोलॉजी टाइप की चलेगी तो वह होनी चाहिए, या फिर इन्फ्लुएंसर टाइप का कोई होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है यही। जिस तरह हर आदमी का हाथ में मोबाइल अंदोजा है तो दिख दिशी बात है, क्या तो फ्यूचर है डिजिटल, डिजिटल ही है फ्यूचर जो है वो, और क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। ये आज ते 1.5 साल पहले इन न्यू कौन बेरो थो वही कहे मोबाइल हो की है ये वे। हाँ स्टडी के लो मारे करता ना, तारे गाम में तारे गाम ते फोन आ रही हो बात की जाया करता। ये था वे 1.5 साल पहले तो क्यों लेट आई ये बात तो सब तो पहले 1.5 साल पहले आपने घर न्यू बेरो तो मोबाइल आपने घर सब तो पहले फोन ले आयो कौन थो?
मैं ले लेकी दियो थो भाई मेरे नाना को ले दियो थो या 80% नंबर लिया था के 80% नंबर आया था बारहवीं में अगर नाना की बात होड़ी थी का तू नंबर ले आओगी तो तने फोन लेके दियो जी भाई वो डे खुसड़ो हंदो की पे डालो आया कर दो खुसड़ो वो महंगो आया कर दो जीते 1500 को आए दो प्लस 2 में 82% नंबर आया था थो के 8 थी 8 में 82% लेना कोई बड़ी बात थोड़ी ने है फिर अगले हैं तर साथ आई सा सारा और के नहीं तू साइंस में कॉमर्स में करके देख मैं कॉमर्स में थी 75% है तेरा 82% तो ऊपर जा अगर फड़ा फोन की बात बताऊं सच्ची मेरे फोन की बात याद आ गई है अबे भी सरकारी स्कूल है इसो स्कूल जंप मांगन बतानी जरूरी है नहीं ये न्यू सोचेगा कि नंबर कम क्यों करा यार सारी थोड़ी सी खुल के बतानी जरूरी है तो बताने कौन दियो मैंने ढंग से बात देखो बात नहीं है भाई ये वाली बात मैं बता दूं मारे या पढ़ी है प्राइवेट स्कूल में बढ़िया टॉप्स के स्कूल टॉप के स्कूल में यो मार पढ़े है पहले शुरू तो लेके यार प्लस 2 तक ने प्लस 2 तक यो पढ़े है सरकारी में पढ़े लिखा हां और मैं वाह ये सा था आधी छुट्टियां में न्यू गाया करता कई चलो था नंडोलियां कूद के बाजनो सिखाऊंगा कूद के नर न्यू टिब्बा में बाजया करता दूर ते था है कोनी गाया करता दूसरे दिन मास्टर लंबो करके न ऐसा पड़गाया कर दो गजब का मस्त टाइम यार मैं भाई शुरू तो लेके लास्ट तक ही सरकारी में पढ़े हूं बारहवीं सरकारी तो करी है फिर आईटीआई सरकारी पॉलिटेक सरकारी आपा बंदा सरकारी बंदा सरकारी कौन है तो बंदो इन्फ्लुएंसर बंदा सरकारी कौन तो बात नहीं है हाँ भाई मातरी बारी बता फोन की बात चल रही थी कई साल पहली फोन को नहीं होता आप तो 10 साल पहले मारा गांव तो आ गयो भाई फोन तो मारे एक बार व्यापारी रहे थे उन्हें मैं नंबर दे रखा तो के हुई वो बोलियो कह तार करते काकी फोन आ गयो तो 5 मिनट बात करदा ने जी उनमें 30 रुपया 40 रुपया 90 रुपया देंदी 12 साल पहली की बात है 12 की होगी के और देखिए वो फोन उठायो ने जी न्यू डर लागे मुहार है कान का लगा लियो तो कान फटे हो के कान कौन फटे लगा लिया काकी और न्यू डरूर न्यू अच्छो को जब डर लगे भाई शुरू शुरू में एसटीडी आई है तेरे नानी भाई नाना मंदिर का घरी बात करना उनका घरी वो फोन तो कुसलो के नाम लिए वो है सारा भाई लैंडलाइन का किसन का वो कौन तो लैंडलाइन क्या करता हूं हां किसन अपने घरी बात कराना आई तो ये काम था पहले तो इसो डर लग गया दो किसन तो मेरी मां का 40 रुपया लिया रे मैं बताऊंगा तने 5-4 मिनट का 40 रुपया ओके मैं बताऊंगा तने हिसाब करूं ये करूं तेरे हिसाब में बहुत अली है 12 साल पहले 40 रुपया लिए उड़ा रहे हाँ छोड़ा को नहीं छोड़ा को नहीं ये बस 40 को ब्याज समेत लेना पड़ेगा हाँ मैंने लिया रहा है मेरे यूर यो गांव में 40 रुपया में तो मैं गांव जाया हूँ अरे घंटे बात करे हूँ अरे 40 किराए को लगे मेरे काम को बनाना शेक पी लियो भाई थोड़ा में माँ प्याण ला रही है डांगरान पानी सबमर्सिबल चला रखी है बरमीत रोटी खा ली है भाई और आज मैं माँ बखते रोटी बोली है बखते हाँ मतलब मैं लेट हो गयो था मैं लेट को नहीं है सारे ही लेट हो गए इबे रोटी सब्जी बनाई है ठीक से तो रोटियां है भाई आज कैरी की और प्याज की सब्जी और मैंने बेरो कौन थो पहली में प्याज बंदार लिया तो शायद सेती है प्याज की सलाद और लस्सी आ जाओ रोटी खा लो तो टाइम हो रहा है 5:40 अरे चा को टेम हो रही है प्रिंस सर्किशन कर रहे हैं इस अंतर मसीर है प्रिंस ही दूब काटे तो मेरे को नहीं किन्ने गयो चा पी गयो तो चा चो पी के ने प्रिंस सर्किशन गया तावूर कन में वशीर कन इतलो पास पड़ोसी गए और बाकी वीडियो गिल्ला अचार देखियो जिद याद आयो ते एक कमेंट आ रही थो न्यूलो का अचार तारो उन सही गुण कर लियो है जो बाल्टी में काट के फाड़ी सी आरू का मैं वो दाना सा दूना सा रे सूप सा पर गेरी थी ने जो लीक वे गिरनी थी बाद में गांव में अंडरटेक के बाद में और उनको जो स्वाद है वो बिगड़ जाए तो ये जिस तरह वो गांव में सुख के बाद में तो घी का तेल ताल तो कौन गिरतो जिद गिरनी थी माने मेरा कौन था ये तार मारो कदे गल जोड़ो कौन थो मैं तो पहली बार करवाई रे मोल को तो जरूर लिया मां था या बात तेरी मानन वाली छवे कुण थी बतावन वाली वस्तु की सुखी होगी जमाना रही सोर ठीक है वो रांद काट गयो चरसा ले गयो रुपया पहली बात तो यह है कि मम्मी अचार बहुत कम खाया करो मैं गलवाए क्यों फिर न्यू सुन में गुनिया
अचार खावा ही कुनिया बा पहले कतरी मोशियरा गलु आयो लेके खाया जी दे परिंका आ रही थी या परिंका खाया कर दी सुन तो सुनी ना राकेश सारा खायो बेटा वो बेली में गलुवा दे आप कतरे एक एक फाड़ी खाई जी नेड़े और लिया परिंका और लाया हां दूसरा लाया फिर मोशी ने मारा सामने गयो वो अचार बहुत बढ़िया गल की गयो फिर मैं नहीं उगरे भाई गल नहीं आई सोए बढ़िया गल दऊंगा इबका भी गलवा लिया देखो खान लागिया कौन सा किसो को बनेगो मेर देखी जी कौन करा अचार खान ने गरम दूजो ना ये सही हो जाओ ना रे फलवा हो जा मुंह में मुंह पर एक फाड़ी बेटा जरूर लेनी चाहिए रोटी खा के बाद में दो टुकड़ा सीधी ले ले तू सीधे वो एक फंड होनी हो न जी करे तो हमी खा लिया मैं तो दिखाऊंगा अरे भैया अगलो न्यू कहती गई छह भी ना खराब कोनी हो तो छह भी ना देख के फाड़ी खा तो एक जनो ही सबड़ा दे और जो या बेल दिखा है भाई ए बेल को की है कि एक दिन मैं गलत बता दियो मैंने कही थी कि या गिलोय की और अमर बेल है या एन कहे गिलोय की बेल अमर बेल ओहने वह तमने साइड में देख दी होगी एक फोटो या वह है अमर बेल ठीक से जो साइड में फोटो दिखना आ रही है और हाँ तो यह है गिलोय की बेल ठीक है तो एक दिन भाई ये बेल को मैं गलत नाम बता दियो तमने या बेल मैं उस दिन यू गई थी कि या गिलोय की है और अमर बेल भी कहे है लेकिन या सिर्फ गिलोय की बेल है अमर बेल ओहने वह तमने साइड में फोटो दिखन लाग रही है या है अमर बेल ठीक है और या अपने जो लाग रही है गेट के ऊपर कहिया है गिलोय की बेल अरे एक मनु बहुत कम आओ भाई ब्लॉग में क्यों क्यों को नहीं आओ ब्लॉग में मनु बता ये मनावा को दे भाई फोटो आवे ही कौन गिनियो तो न्यू तो तेरी फोटो को नहीं आऊंगी तू बड्डी हो जाएगी ना जिद फिर मन्ना न्यू कहेगी कि मम्मा मेरी वीडियो कौन बनाया कर दो बरमीत बरमीत की बनाया कर दो रीव तू लुक है देख ले भाई बेटा परमीत ना मनमीत आज तक 10 साल बाद में तू या लोग देखा है जित तू इसी थी न्यू लुक क्या कर दी गेला मनु कदे या वीडियो देखी ने 10 साल बाद में जित कहो हाँ मम्मी ठीक की थी भाई अरे मनु आओ तो बहुत सुथरी है भाई कैमरे में हा? बहुत सुथरी आओ के बीरो क्यों मतलब क्यूट सीर बहुत सुथरी आओ भाई मनु सही क्वाड खोलिए बेटा दू राम राम कर दी हाँ थोड़ी दाऊ आ कैमरे आओ तो बहुत सुधरी भाई मनु कहनी पड़ेगी यार देखिए जम्मा ना है सुधरी वास्तव में जम्मा सुधरी आन लग रही है वे इतनी कोनी सुधरी या बहुत सुधरी है हाँ राम राम कर दे बेटा यहाँ पड़े देखियो सुधरी सुधरी गए बाद में तो ये कड़े कड़े लिया हो चाहिए न्यू बुलाया करा मम्मी टाबरा ने न्यू बुला के नर फेरूंगी फोटो लिया करा ये अण ने न्यू बुला बुला के किमी करवा लो चाहिए भाई तू सुधरी बहुत से न्यू से के करा छोरी रह गिने अरे की यारी भाई एन गड़पटी पकड़ पकड़ की काटनी पड़े वीडियो में थे के वीडियो में थे लिकड़े मारी भी आन देखो दे अरे किया बेने के कार्रवाई कर दी चल ले अरे यो ये मूंग सीधा रखे है अण मूंगा के करेगी माँ ये बेटा लुकेड़ा लिकड़े थे आज बाद में करी से सफाई भीतर की तो कोई कटी दो कटा में न्यारे न्यारा एक में बाहर नहीं तेरे बाबू नहीं होगा दो तीन बुझे बेचारा मूंग तो नहीं बोले मार तो कोई नहीं मैंने लिए एक कटो रखियो तो मारे नहीं होई भाई बिजन खतरे हां तमान यो कमरो मारो दिखायडो से ए मैं कोई कटो के कह गुवार को गे दियो कोई कटो कह को गे दियो मैं सही करन पाई को नहीं ये दोनों मूंगा कटारे के नीचे जो मूंग बेचया ने जी पाछे इतनो को मूंग बच जाए करे उठलो सो वो तेरे बाबू समार की अर बीज आयो फिर मौसी बोली मूंग से के तारा सुतरा मूंग वो तो ऐसा मार तो को नहीं अच्छा मैं भी नहीं मार को नहीं मारे तो बीज आया कूटलो कालो कालो तो को सुतरा उग गया आज मैं तो सफाई करी से दो कट्टा में गाड़ी के इधर बाबू आउंदी खेत में तो बोले मूंग कहे लिया आया कहे का के लिया आया मैं भीतर था छोरी अंडा खिंडावे ना आंटा पर तो यही समस्या है ना जानवर इतनी आने हाथ मार मार की पैर मार मार की खिंडावे मार मार की कर दी सच्ची कह रहे ई बात धोखो लाग रही सच बन चोखो मूंग उग गया इवन की दाल दूर भलाई बना ली और तो के करूंगी नया मूंग लिकट जाऊंगा फिर आमी मूंग की दाल वही बहुत कम खास मारा कई तो चना की दाल स्वाद लग गए कई नहीं हो बेटा मूंग की दाल खानी चाहिए तुम खाओ को नहीं मैं खाने की सारी चीज चाहिए जो चाह रहे हैं चना की दाल पर खानी तो सारी चीज चाहिए और जो चीज स्वाद ज्यादा लगे ना वही चीज ज्यादा खाई मैं दड़ूंगी थोड़ी सी तो एक तो मूंग की दाल तावड़ी रहते हैं दो सीटियां में ये मैं घनी ना दड़ूंगी ना तो लेट लेट हो जाने तो सब आज सब्जी के बनाओ आज के आज तो भाई जयपुर बेड़ो से फिर आज मूंग की दाल ही बना लो आज मेरी माँ 2 साल बाद में खेत में आई है 2 साल तो कोई नहीं भाई 12 बिना आया है क्या बिना 12 बिना यानी कि 1 साल होगी हाँ
एक साल पहले आई थी और वह भी आई थी सिर्फ 5 मिनट खातर। मेरे मौसी को छोरो आगे ने लो, चलो सारी खेत दिखा के लाऊंगा, गाड़ी लेके आ रहे थो अणन बिठा के ले आयो। और जिद आई थी 5-10-15 मिनट खातर। आज एक साल बाद में खेत देखने मिलियो है। आज भी कह की वजह तो आ गई ऐ की वजह ते अण बादली सुनी बोली के मैं भी चालूंगी। तो आज कोई अणन पकड़नी हो कौन थो, तो मेरी माँ डरगी नहीं बोली मैं भी चालूंगी। तो भाई सुनी जाई तो अणा ने लेके आ गया खेत में। तो किसोक लग गए है माँ खेत में कितने के खूब लगे थे दिखा मन तो वेरो कौन थो के कौन थो गजब को नरमू लग रही है की तने सारो भेरो थो। हां देख तो अरे मन नहीं काटना पड़ेगा माँ, तो आज एक साल बाद में आई है तो आड़े टूर करेगी, कदे इल्ले किल्ले जागी कदे इन्ने जागी। चलो तो टावरान दिखा लिया इतना मैं हरियो काट लियो। तो यह हमारी ब्यूटीफुल बड़ी सारी नहर जो शाम किलो मारो है आड़ते लेकी आड़ तक और आड़ते लेकी उड़े तक। एम बीज रखे नरमो, यो बाद में बिजड़ो है तो यो छोटो है, ये अणाम बड्डो रे सुतरो रे। अच्छा तो इकड़े मतलब सारे नरमो बढ़िया हो गयो। तो फिर कौन सी गाड़ी लेके आऊं मैं? तेरा गाड़ी 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 ना करेगा सर जी, करनी पड़े गाड़ी बता मने कौन सी गाड़ी सी मैं को नाम जान ए मैं तो वासा नहीं करूं। थार अंबे तो थार है तो छोटी सी कार है एल्टो। हां एल्टो ननो ननो एल्टो भाई ना भाई सही है मतलब। हां ओहो जी राजी कर दियो बेटा, कोई ने BMW लेने जोगा भी होगा वहां पा एक दिन। BMW रिया की न्यारी हो चार तैया हो रे ऊपर तो बसिया ले छात लागी डियो छात लागी डियो बस बहुत सही बात है। लियो भाई मैं तो काट दियो रे हो और इतने मां देखे ही आगे जाके किसो को लाग्यो। तो आज मैं काटी है जिस तरह की मैं रोज ही काटे करूं 3 1 2 एक और कट गई यारी 3 ये बड़ा बांध दिया ट्रैक्टर में घाल लिया फिर चला घर चला गए चलो चलाओ कौन को मैं तू चलाओगी ले तो तू ही चला ले जा फिर जा। तो भाई वे माँ फोन लग रही है रोटी और आड़े मनु खा है रोटी और आड़े यार रोन लग रही बे मतलब की बगा बगा मारा चीज दिखाओ को नहीं ज्यादा कौन दिखावा। हाँ बता भाई ले बेटा टिप जा अच्छा जिधर हो गया अच्छा हिंदी में ट्रांसफर करिए ट्रांसलेट करिए। तो सोई में कुआड़ का सारा बड़की रोन लगी राकेश मामू प्रिंस मामू ने बोलियो तो कुआड़ का सारा क्या भी रोन लगी है प्रिंस मामू ने कही ना जी जोर जोर की रोन लगी। अच्छा बर्फ खतर हो है यार। अच्छा बर्फ खतर हो है। हाँ, तो भाई बर्फ वाली आदत छुटवानी पड़ेगी के कराई प्रिंस मामू ने कह जी ना बर्फ कौन जा। हां बर्फ बर्फ खाने की आदत पड़ रही है ने वो छुटवाने की कोशिश से। तो चलो ये रोटी खाऊंगा रोटी में यह सबेरल यू माँ ये तो तुम सारी खा गया बाकी एक और भी तो थी डी से यारी देख यह है मस्त चीज तो देखी लाल सी यार पड़ लगी लाल मिर्च रगड़ी वाली लहसुन गेर की और कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर गजब की हुई। मैं प्रदीप से ने माँ बेटा ने के आज बेरो को नहीं मारो एक से काम है एक सी चीज अच्छी स्वाद लगा मन्ने लगा मन्ने चटनी स्वाद लगे हैं लगे कैरी की सब्जी कैरी की सब्जी तो अपने खाना भिंडी की कोनी मेल खाई भिंडी में खाऊं। चलो भाई रोटी खाओ एक खानी है तो फटाफट आ जाओ। तो भाई सारा रोटी रोटी खा ली है रोटी रोटी खा के मैं आ गया हूँ ऊपर 10 बज रहे हैं। एक बात और तड़के जाऊंगा हिसार ठीक है अरे बस है तो तड़के जाऊंगा हिसार मैं किशन और इन्हें प्रिंस है तो तड़के ही सार जाऊँ। प्रिंस ने करनी है आपकी अमरनाथ खतर शॉपिंग ठीक है यो जो सामान ले रहे हो तड़के खरीद खरीद के नगी करेगो और मैं और किशन जाऊँगा मैं बुआ के जाके नरोड़ा मैं ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दे के आऊँगा
यूरिन सैंपल देके आऊंगा ताकि वो पूरी बॉडी को चेकअप के चेकअप को चेकअप तो गंभीर यार डीके इंग्लिश बोल रहा है चेकअप ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दोनों देके आऊंगा ताकि वो पूरी अच्छी तरह हमारी रिपोर्ट आ जाए तो पूरी बॉडी को टेस्ट होगा ना। तो मैं अभी बुआड़ो और एक दो टेस्ट और करवाऊंगा दो तीन जना तो वो इकट्ठो सस्तो पड़े तो इकट्ठो ही करवा लेंगे। तो और एक प्लान और तो भाई एन बेचारे ने थिएटर एक्सपीरियंस करवाओ तो वो भी करवाऊंगा के घंटा करवाऊंगा। अरे बता दो दे करवाऊंगा न्यू के तो दिखाऊंगा तड़का मैं दिखाऊंगा वो आगे जाएगा प्लान के चेंज हो गया ले प्लान क्यों चेंज हो गया इबे चेंज करा आप तो प्लान इबे कौन करा इबे बता ये चेंज हो रहा है ना कोनी हो रहा कोनी हो रही आगे जाएगा चलो तो बताइए बढ़ने तो फिर तड़का मैं कृष्ण ने थोड़ा सा थिएटर एक्सपीरियंस करवाना है तड़का थिएटर में जाओ वो फिल्म देख के आओ कृष्ण की पहली फिल्म है ना कृष्ण लेके जावांगा मारा पटपड़ो घुमा घुमा डोलिया उड़े ठीक है भाई। तो चढ़के मिलेगा ब्लॉग में यो अगर यो ब्लॉग तो आपने पसंद आया तो लाइक कर दियो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो कॉमेंट कर दियो कोई सवाल जवाब हो तो ठीक है। और क्या रह गया ऊपर में थे मिला एक और हाँ अब बात ये समझदार होगी रह गई मिला एक और नया ब्लॉग कैसे थी इतनो अपनो और अपना परिवार को रखियो ध्यान मारी तरफ से सामने सारा ने राम 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 भाई।